मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडेट ऑफ एनवाइमेंट एंड पॉल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स नंबर वन अवर सराउंडिंग्स आर मेड बोथ ब्लैंक एंड अनचुरल थिंग्स नेचुरल सेकेंड ए वाटर मेक्स अबाउट ब्लैंक ऑफ द अर्थ सरफेस इसमें आएगा सेवेंटी परसेंट नंबर थर्ड ब्लैंक इज द ओनली गैस दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू सरवाइव ऑक्सीजन इज द ओनली गैस नंबर फोर है द गैस दैट प्लांट्स यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड इज ब्लैंक है इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट इन इंट्रोडक्शन एनवायरमेंट वह जगह है जहां लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ रहते हैं जैसे गिलहरी के एनवायरमेंट में हवा जिसमें वो सांस लेती है खाना जो वो खाती है पानी और पेड़ सब कुछ आते हैं Why is our environment important? Environment बहुत important है क्योंकि हर वो चीज जो इंसानों के लिए जरूरी है environment में पाई जाती है जैसे रहना खाना कपड़े आदि जैसे हमें खाना पेड़ पौधों से जानवरों आदि से मिलता है दवाइयाँ पेड़ों के बीज पत्ते तने आदि से मिलती है जानवर भी एनवायरमेंट पर रहने और खाने के लिए आश्रित होते हैं शुड वी केयर फॉर अवर एनवायरमेंट ये हमें बहुत कुछ देता है लेकिन हम इसका रख रखाव और देखभाल नहीं करते इंसानों की कई गतिविधियां जैसे इधर उधर कचरा फेंकना गाड़ियों का धुआं पानी और बिजली वेस्ट करना आदि से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है पॉल्यूशन पॉल्यूशन मतलब पानी हवा और जमीन का इंसानों द्वारा जहरीले पदार्थ जिन्हें पॉल्यूट कहते हैं से खराब करना पॉल्यूशन कहलाता है इसी कड़ी में देखते हैं पहला है एयर पॉल्यूशन हवा में जहरीली गैस और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड आदि के पार्टिकल्स मिलने से एयर पॉल्यूशन होता है कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन नंबर वन गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है नंबर टू लगातार पेड़ों को काटने से भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन होता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है नंबर थ्री ज्वालामुखी के फूटने से हवा में भारी मात्रा में जहरीली गैस निकलती है दिवाली पर पटाखे जलाने से हवा में कई जहरीली गैसें मिलती हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन हवा में मौजूद यही गैस इंसानों के रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स को बुरी तरह प्रभावित करती है और अस्थमा आंखों में जलन खांसी आदि बीमारियां करती है लैंड पॉल्यूशन इधर उधर बिना किसी बात का ध्यान दिए फेंका गया प्लास्टिक और बाकी कूड़ा लैंड पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है इससे हमारी मिट्टी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन पहला भारी मात्रा में पेड़ों को काटना इधर उधर कचरा फेंकना प्लास्टिक की बोतल, केन्स खाद आदि का उपयोग करके ठीक तरह से ना फेंकना इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन पहला जब भारी मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं तो पेड़ की जड़ जो कि मिट्टी को पकड़ कर रखती थी वो भी नष्ट हो जाती है अब यह ढीली मिट्टी पानी या आंधी के प्रभाव से इधर उधर आसानी से ले जाई जा सकती है जिस कारण सोइल इरोजन की समस्या देखने को मिलती है नंबर पॉल्यूट पौधे के लिए खतरनाक है क्योंकि वो जहरीली होती है ऐसी मिट्टी पर उगे गए पौधों को खाने से इंसान और जानवर दोनों बीमार होते हैं वाटर पॉल्यूशन पानी में घरों खेतों और फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे के मिलने पर वाटर पॉल्यूशन होता है कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन घर से निकलने वाला गंदा पानी गटर और नालियों से होते हुए नदियों और समुद्रों में मिलने पर सबसे अधिक मात्रा में वाटर पॉल्यूशन करता है ऐसा पानी ना कभी पिया जा सकता और ना ही खेती के काम आता है इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन गांव में रहने वाले लोग कुएं और हैंडपंप का ही पानी पीते हैं लेकिन क्योंकि वाटर पॉल्यूशन के कारण यह पानी गंदा हो चुका रहता है और डायरिया और टाइफाइड की संभावना ऐसे पानी को पीने से बढ़ जाती है इस तरह के प्रदूषित पानी के इस्तेमाल से पौधों को भी बहुत नुकसान होता है और साथ ही साथ पानी में रहने वाले जीवों को भी तो बच्चों हमने इस लेसन में देखा कि पॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं और ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं थैंक यू हैव अ नाइस डे